मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल बल्लभगढ़ में 3 परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ में नवनिर्मित लघु सचिवालय का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ पुलिस कमिश्नर डीसी विक्रम सिंह समेत अन्य अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से पॉलिटेक्निक कॉलेज और पंचकुला गुरुग्राम की तर्ज पर एक गेस्ट हाउस की भी मांग रखेंगे। आने वाले दिनों में बल्लभगढ़ की कनेक्टिविटी जेवर एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेगी, इसलिए यहां भी गेस्ट हाउस की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल बल्लभगढ़ विधानसभा में पहुंचेंगे और एक बड़ी सौगात देंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा खुद विजिट करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बात भी करेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां जांचने के लिए पहुंचे। मंत्री जी, क्या सौगात बल्लभगढ़ को मिलने जा रही है चूँकि मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं? मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूँगा और बल्लभगढ़ ने बड़ी सौगात, 215 करोड़ का एलिवेटेड पुल दिया है, सोना पुल दिया है, मुंजेसर का पुल मिलने वाला है और सबसे बड़ी सौगात ये है मुख्यमंत्री जी की कि हमको मिनी सेक्रेट महिला कॉलेज बहन सुषमा स्वराज के नाम से रानी की छतरी 3 सौगात मुख्यमंत्री कल हमको देंगे। और इससे क्या है कि बल्लभगढ़ के लोगों को लाभ मिलेगा, एक छत के नीचे सब काम होंगे और एक छत के नीचे सारे शहर के काम हैं वो सब पूरे होंगे। और बेटियों के लिए कॉलेज मिलेगा, जो बेटियाँ इधर उधर चलती थी और बेटियाँ एक कॉलेज छत के नीचे बैठे पड़ेंगी। मिनी सेक्रेटरीट बन गया, महिलाओं का कॉलेज बन गया, रानी की छतरी एलिवेटेड 215 करोड़ रुपए उसके लिए भी मंजूर कर दिए गए। क्या लगता है कि अब जिला स्तर की जो तमाम सुविधाएं हैं वो यहाँ बल्लभगढ़ में मिलेंगी? समस्याएं तो ख़त्म नहीं होती हुई, पॉलिटेक्निक कॉलेज मुख्यमंत्री और मांगेंगे कि बल्लभगढ़ के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए। नीलोखेड़ी जाते हैं, मेवात में जाते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज और बल्लभगढ़ में लेंगे और 2 एलिवेटेड लेंगे। अभी तो बहुत समस्याएं शहर में, एक नहीं, अरे पिछले समय में किसी ने कोई विकास तो किया नहीं और पिछले समय में तो पैसा आता था, लास्ट बल्लभगढ़ में ख़त्म हो जाता था। पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा ना, बल्लभगढ़ के लोगों को देखते हुए जो स्कूल दिए हैं, कॉलेज दिए हैं, सामुदायिक भवन दिए हैं, रोड दिए हैं, सड़क दिए हैं, पानी दिए हैं और 52 करोड़ के जो हमको रेनिवेल दिए, 52 करोड़ के रेनिवेल जो 3 रेनिवेल दिए, मैं उसका भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा कि मुख्यमंत्री के जी ने जो बल्लभगढ़ पर कृपा करी है। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम सब लोग मांगेंगे कुछ, उनका स्वागत करें। बिल्कुल, ये हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा थे जो बता रहे थे कि किस तरह से बल्लभगढ़ को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम तरह की यहाँ परियोजनाओं को दिया है और ऐसे में जहाँ एक तरफ मिनी सेक्रेट मिला है तो वहीं महिलाओं के कॉलेज के साथ साथ में पुराने जो पुरातत्व विभाग का जो जीर्णोद्धार उस रानी की छतरी का किया गया है उसकी भी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फिलहाल ये रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए आप